चलिए अब थोड़ा सा हम अभ्यास करें, थोड़ा एक्सरसाइज, लेट अस हैव ए क्विक लुक एट इट. द क्राउड वॉज वेरी बिग. क्राउड इज वॉट? क्राउड इज कलेक्टिव नाउन. एंड इन कलेक्टिव नाउन वॉट कैटेगरी विल इट कम? समूह वाचक. सिमिलरली ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. इसमें नाउन क्या है? ट्रूथ इज नाउन, सच्चाई. ट्रू से बना सच्चाई, ट्रू से बना ट्रूथ. वी ऑल लव ऑनेस्टी. ऑनेस्टी ईमानदारी. ईमानदारी क्या है? ईमानदारी नाउन है. कौन सा नाउन हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ. एलिफेंट को देखा ना, कितना भारी होता है. इट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ मतलब ताकत. ये किससे बना? यदि हम उल्टा जाएं, स्ट्रेंथ किससे बना? स्ट्रांग से. स्ट्रांग माने शक्तिशाली. शक्तिशाली कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते समय किस कैटेगरी से बना है? क्या वो विशेषण है स्ट्रांग, या क्या वो क्रिया है, या उसके अलावा क्या वो एक्शन है, स्टेज है, स्थिति है? इट इज क्वालिटी, ताकत, शक्तिशाली. सो इट इज एडजेक्टिव से, विशेषण से बना हुआ है. विशेषण से बना हुआ है और इसलिए हम कहेंगे कि इट वॉज वेरी स्ट्रांग. द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ. सिमिलरली ही गेव मी ए बंच ऑफ ग्रेप्स. ही गेव मी ए बंच ऑफ ग्रेप्स. बंच क्या है? ग्रेप क्या है? ग्रेप यानी अंगूर. ग्रेप मीन्स अंगूर और बंच माने झुंड. बंच यानी झुंड. अंगूर के झुंड को उसने मुझे दिया. तो बंच किस में आएगा? ग्रुप है, समूह में. क्राउड जैसा है, मॉब जैसा है, कमिटी जैसे, आर्मी, फ्लीट, ऐसे ही बंच भी आएगा. सो बंच इज ए कलेक्टिव नाउन, राइट? बंच इज ए कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट इज अवर टीम इज बेटर देन देयर्स. That's slashed. Team is what? Noun. Second boundary. Which part of the over? Of noun? Collective noun. Indian cricket team. This is why he's is so playing dangerous. In England at the moment. English Indian cricket team is playing cricket at the moment in England. यहाँ पे team क्या है? India की team है. Team क्या है? 11 से ज़्यादा लोग उसमें हैं. खिलाड़ी. पूरे खिलाड़ी हैं. कई लोगों से मिला हुआ समूह है. इट इज अ कलेक्टिव नाउन. विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ. विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ मतलब बुद्धिमानी शक्ति से बेहतर है. बुद्धिमानी शक्ति से बेहतर है. बुद्धिमान होना शक्तिशाली होने से ज्यादा बेहतर है. आपके पास कितनी भी शक्ति हो, दिमाग नहीं है तो उस शक्ति का उपयोग कैसे करोगे? बुद्धिमान है तो अपने बुद्धि के बल पे वो शक्तिशाली को भी पराजित कर देता है, राइट? सो वी कैन से दैट विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ. आई रिकॉग्नाइज योर वॉइस एट वंस. आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा. करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा. आई रिकॉग्नाइज योर वॉइस एट वंस. इसमें कौन सा नाउन है? इसमें नाउन पढ़ा है कि दिख रहा है क्या? आवाज. एब्स्ट्रैक्ट नाउन आवाज. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वॉइस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और आई योर ये तो बाद में हम देखेंगे, पर अभी हम जाने हैं क्योंकि इस वाक्य में हमको खोजना है नाउन क्या है. तो आई रिकॉग्नाइज योर वॉइस. वॉइस आवाज. आवाज नाउन, राइट? सो विद दिस वी हैव अंडरस्टूड ए बिट ऑफ नाउन. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउन फर्दर differences, further additions in noun. Now,
Let's move to some different kind of exercises. Having done few sentences, having known that abstract nouns are created out of adjective, out of action, and out of state. Visheshan, kriya, और स्थिति, इनसे कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं हमने जाना और कुछ उस पर एक्सरसाइज की. मे बी वी वॉन्ट टू डू लिटिल मोर एंड सो वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस हियर. एंड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट वुड बी फॉर यू ऑल. सो हियर वी हैव फ्यू मोर शिप. We saw a fleet of ships in the harbor. We saw a fleet of ships in the harbor. Harbor means what? See the pronunciation, harbor. Harbor means what? Bandargah. Fleet means what? Ships means what? Ships means jahaj. A group of ships is called a fleet of ships. It's a collective noun. Remember, a group of ships is called a fleet. Uske jahajon ke samuh ko ek fleet kehte hain. And so now what nouns we have? We saw a fleet of ships in the harbor. Noun kya hai usme? Harbor noun hai. Fleet noun hai. Now harbor is what noun? Harbor kya hai? हार्बर एक ग्रुप को बताता है, जाति को बताता है. इट्स नॉट द नेम ऑफ सम प्लेस, इट्स नॉट द नेम ऑफ सम पर्सन, इट इज नॉट द नेम ऑफ सम आर्टिकल. एंड सो हार्बर इज इंडिकेट ए पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ सिटीज विच आर लोकेटेड ऑन द सी शोर. सो इट्स अ कलेक्टिव नाउन. बट व्हाट इज फ्लीट एंड फ्लीट ऑफ शिप्स? In fact, we need not write ships at all. The moment we write, we saw a fleet in the harbor, that means it must have been a fleet of ships. So fleet is also a collective noun. Is it clear? They both are collective noun in the same sentence. Next sentence that we can take up is, the class is studying grammar. And here I would point out again, as I have been doing every time, see the spelling of the word grammar. A class, the class is studying grammar. Grammar means vyakaran. Vyakaran kya hai? Is it a collective noun? Or is it a proper noun, a common noun or a proper noun? There are few more sentences I write down for you here, for you to ponder over it and do some work at home. A committee of five was appointed. A committee of five was appointed. Appoint karna matlab niyukt karna. To appoint means niyukt karna. So a committee of five was appointed. Name the noun next to it. Similarly, this room is 30 feet in length. This room is 30 feet in length. इसमें noun है क्या? यदि है तो कौन सा है? And what type of noun it is? This room is 30 feet in length. Next is, what is your verdict, gentlemen of the jury? What is your verdict? Verdict मतलब क्या है? Verdict, V-E-R-D-I-C-T. Verdict means nirnay. What is your verdict, gentlemen of the jury? Jury is what? As we studied earlier, judgment is abstract noun. Judgment is abstract noun. Jury is also a group of judges. So when you talk about jury, a group of judges, what noun it is, please write down next to it. Further, let us look at some words which indicate
ए ग्रुप, समूह का वर्णन करने वाली समूहवाचक संज्ञाएं क्या हैं? आपने एक पढ़ा ऑलरेडी कि जहाजों के समूह को क्या कहते हैं, जहाजों के समूह को फ्लीट। दूसरा शब्द देखिए, सोल्जर्स के समूह को क्या कहते हैं, सोल्जर्स आर मार्चिंग। तो जो सोल्जर्स का जो समूह है वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड आर्मी, द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड आर्मी। आई वॉन्ट टेल यू द आंसर टू दिस, यू नीड टू फाइंड आउट कैटल के समूह को, कैटल के समूह को क्या कहते हैं, कैटल मतलब जानवर, जानवरों के समूह को क्या कहते हैं, आप पता लगाइए व्हाट इज दिस ग्रुप कॉल्ड। सो आई लीव दिस क्वेश्चन टू यू। न्यू वर्ड, वर्ब में भी एक शब्द है, आई टोल्ड यू दैट एक्शन से भी कुछ संज्ञाएं बनती हैं, जैसे लाफ से मैंने बताया लाफ्टर, लाफ से क्या बनता है लाफ्टर, मूव से क्या बना मूवमेंट, राइट। देयर इज अनदर वर्ड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपने बहुत सुना है, वी प्रैक्टिस ए लॉट, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फुटबॉल, इंडियन हॉकी टीम वन बिकॉज इट प्रैक्टिस्ड हार्ड, भारत की हॉकी टीम ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता, एंड वी से बिकॉज वी प्रैक्टिस्ड हार्ड, वी प्रैक्टिस्ड हार्ड। यहाँ पे प्रैक्टिस की स्पेलिंग क्या है, PRACTISED, प्रैक्टिस्ड, क्योंकि हमने अभ्यास किया, तो अभ्यास करना के लिए स्पेलिंग क्या हुई, PRACTISE, अभ्यास करना। लेकिन अभ्यास, अभ्यास करना का नाउन क्या होगा, वॉट विल बी द नाउन ऑफ अभ्यास करना, वॉट विल बी द नाउन ऑफ टू प्रैक्टिस। अभ्यास करना का नाउन हिंदी में होगा अभ्यास, अभ्यास। यह जगह अभ्यास के लिए है, राइट। तो अभ्यास आपने पढ़ते हैं अपने किताब में, अभ्यास 11, अभ्यास 12, अभ्यास 13, अभ्यास 5, ये क्या है, नाउन है। जहाँ अभ्यास क्या है, नाउन है, अंग्रेजी में क्या बनेगा, नॉर्मली हम वही शब्द ले लेते हैं PRACTISE, बट दैट इज रॉन्ग। नाउन में क्या हो जाता है, वो PRACTISE। सो दिस इज ऑल्सो द वे टू कन्वर्ट ए वर्ड इंटू ए नाउन, और टू कन्वर्ट ए नाउन वर्ड इंटू ए वर्ब, बट नॉट एप्लीकेबल ऑल द टाइम, बट नॉट एप्लीकेबल ऑल द टाइम। सो वी कम टू दिस पॉइंट, देर इज अ वर्ब लाइक दिस, यू विल फाइंड क्वाइट अ फ्यू वर्ब। सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आइडेंटिफाई सच वर्ड्स, सच वर्ब्स विच चेंज देयर स्पेलिंग विद जस्ट वन और टू लेटर्स। ऐसे शब्द और जरा खोजो जो अपनी स्पेलिंग बदल देते हैं केवल एक या दो अक्षरों से। मैं ऐसे शब्द की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें पूरा ही चेंज हो जाए, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज दैट्स वेयर वी मेक मिस्टेक्स। वी ऑलवेज राइट दे प्रैक्टिस्ड ए लॉट एंड वी राइट द स्पेलिंग PRACTISED. CED is wrong. It cannot be CED. It has to be SED. Because CE जो है वो क्रिया नहीं है, वो noun है, और noun कभी ऐसे ED उसमें नहीं लगता, it doesn't have those forms. So coming back to the point about verb, this is one. The next is लड़कों से संबंधित भावों को लिखो, लड़कों से संबंधित भावों को लिखो। लेजी, लेजी मतलब क्या होता, दैट मैन इज वेरी लेजी, दैट मैन इज वेरी लेजी, ही लॉस्ट
He missed the train because he is lazy. He missed the train because he is lazy. So lazy means what? Sust. Lazy माने सुस्त. अब सुस्त का संज्ञा क्या है हिंदी में? सुस्ती. सुस्त का संज्ञा सुस्ती. अंग्रेजी में क्या है? सुस्ती. What is the English translation of सुस्ती? From the word lazy, it's laziness. From the word lazy, it is laziness. We have already read few words in the earlier. Kind, kindness. Right? Similarly, lazy, laziness. So, there are many words where you add N-E-S-S into that word and it becomes, the adjective becomes a noun. Kind is adjective, remember. Yes? That we'll study further. But right now, you know, ki visheshta batata hai. To visheshta batata hai, to usko ab ek shabd banana hai, usse sambandh alag kar dena hai. Then what do we say? Laziness, kindness. Boldness. He is known for his boldness. Right? Boldness matlab, bahut bold hona. He is very bold, matlab open hai. Cruel. Cruel matlab kya? Nirdayi. C-R-U-E-L. Cruel matlab nirdayi. He is very cruel. The king or Ashoka for that matter was very cruel before he adopted Buddhism, before he won Kalinga. You know, Ashoka's life changed because of that. War in Kalinga changed him to a very peace-loving person. Before that Kalinga war, he had killed, it is said, 99 brothers. He had killed his 99 brothers. He was so cruel. So, cruel ka matlab hua? Nirdayi. Aur usse sangya kya banti hai? Hindi mein nirdayta. Nirdayta ke liye angreji mein kya hai? It's a different spelling. Cruelty. C-R-U-E-L-I-T-Y. Cruelty. Nirdayta. So, we have laziness. We have cruelty. Now, last word, I leave it to you for make it, or two words to create nouns out of it. One is brave. I have already discussed this word. Now, out of your memory, what you learn, try to work it out. Brave, how can brave be converted into a noun? Brave as such is adjective. Similarly, foolish. Foolish is a word that is adjective. Foolish matlab? Murk. Murktapurn. Not murk, murktapurn. It is your foolish behavior that brought trouble for us. It is your foolish behavior that brought trouble for us. Ye tumhara murktapurn vyavhar hai, jisne hame sankat mein dal diya. That brought trouble for us. So these are few words which make you understand how to make collective noun, how to create collective noun. Now let's move to some words where adjectives are converted into abstract nouns. Okay? So ab hum visheshan se hum ab sangyaen banaye. Visheshan kya hai? अभी फिलहाल थोड़ा इतना जान लें कि जो किसी चीज़ की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं. बहादुर लड़का, चतुर आदमी, अच्छी बातें. बातें कैसी? अच्छी. गुण बता रही है. फास्ट कार. कार का गुण बता रहा है कि कार कैसी है. फास्ट है. टूटे बर्तन. Broken. क्या बता रहा है? टूटे हुए बर्तन. तो टूटे हुए क्या? विशेषता बता रहा है. तो ऐसे विशेषता से, विशेषणों से
कैसे नाउन बनता है, और ऐसे ही करते करते हमारी जो वोकैबुलरी है, हमारा जो शब्द भंडार है वो बढ़ता है। लॉन्ग, लॉन्ग माने लंबा, उससे लंबाई, लॉन्ग यानी लंबा, लॉन्ग से लंबाई का क्या होगा, लेंथ, क्या होगा, लेंथ। ख्याल रखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, द वर्ड दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दे ऑल आर अंडर द एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी। प्राउड से क्या बनता है, प्राउड यानी PROUD, इंडिया इज वेरी प्राउड ऑफ इट्स हॉकी टीम्स, इंडिया इज वेरी प्राउड ऑफ इट्स हॉकी टीम्स। वी आर वेरी प्राउड ऑफ अवर साइंटिस्ट, प्राउड मतलब गर्व करना, गर्व करना, गौरवान्वित। वी आर वेरी प्राउड ऑफ, हम अपने वैज्ञानिकों पर बहुत गौरवान्वित हैं। अब गौरवान्वित से संज्ञा क्या बनेगी, गौरवान्वित होना से संज्ञा क्या बनेगी, संज्ञा है गौरव, गौरव। भारतीय टीम भारत के लिए गौरव है, इसी को हम संज्ञा के रूप में कैसे कह रहे हैं, हम भारतीय टीम से गौरवान्वित हैं, और भारतीय टीम हमारे लिए एक गौरव है। सो उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, प्राउड का देखिए बिल्कुल बदल जाता है शब्द, प्राउड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है प्राइड, PRIDE, प्राइड यानी गौरव। नेक्स्ट इज नॉवेल, नॉवेल का शब्द हम लोग जानते हैं, नॉवेल मतलब उपन्यास है ना, जो हम लोग सामान्य समझते हैं, राइट नॉवेल, रीड नॉवेल, नॉवेल यानी उपन्यास। पर यहाँ पर नॉवेल एक विशेषण के रूप में है, उपन्यास क्या होता है, उपन्यास होता है नाउन, विशेषण के रूप में नॉवेल का अर्थ क्या है, नॉवेल मतलब नया, नॉवेल यानी नया, उससे नयापन संज्ञा बनी, क्या बनी संज्ञा, नयापन। तो नयापन के लिए क्या शब्द है अंग्रेजी में, नॉवेल्टी, बहुत सी दुकानों में आपने पढ़ा होगा नॉवेल्टी शॉप, नॉवेल्टी स्कीम्स, तो NOVELTY, नॉवेल्टी मतलब नयापन। आपके व्हाट इज द नॉवेल्टी देयर इन योर शॉप, आपकी दुकान में ऐसा क्या नयापन है, आप जो कपड़े सिलते हैं उसमें क्या नयापन है, व्हाट इज द नॉवेल्टी देयर इन योर टेलरिंग, आपकी सिलाई में नया क्या है, नयापन क्या है। सो नॉवेल से बना नॉवेल्टी। ऐसी एक्शन से हमने बताया था काइंडनेस, एक्शन से हमने एक और बनाया था लेजीनेस। अब यहाँ पे एक और शब्द एक्शन से यदि हम लें तो एक शब्द लीजिए क्विक, जल्दी करना, तो क्या बोलेंगे क्विक के लिए, क्विकनेस, ही इज नोन फॉर हिज क्विकनेस, वह अपने तीव्रता के लिए जाना जाता है, क्विकनेस, क्विक माने जल्दी, तेजी के लिए जाना जाता है, वो अपनी तेजी के लिए जाना जाता है। कई शब्द ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग अर्थ रखते हैं, अलग शब्द बना देते हैं। मैंने जैसे एक बताया प्राउड का प्राइड, ऐसे अम्बल, HUMBLE, अम्बल मतलब नम्र, विनम्र, हिंदी में क्या बनेगा इसका संज्ञा, विनम्रता, हिंदी में क्या होगी, विनम्रता। तो अम्बल के विनम्रता, विनम्रता का अंग्रेजी में ह्यूमिलिटी, HUMILITY, बिल्कुल नया शब्द बन गया, अम्बल से बना ह्यूमिलिटी, या अम्बलनेस, अम्बलनेस या ह्यूमिलिटी, राइट।
So with this we have also learned now how to convert few adjectives into abstract noun. पहले हमने इससे पहले हमने एक्शन से भाववाचक संज्ञा बनाई. एक्शन यानी क्रिया. क्रिया से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया था. यू रिमेंबर? फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस. प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस एस ई एंड प्रैक्टिस सी ई यानी अभ्यास एंड फ्यू मोर. और कुछ चलिए और कुछ हम थोड़ा सा उदाहरण देखें. द मोर द मेरियर. जितना ज़्यादा उदाहरणों से हम सीखेंगे उतना ही अच्छा. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा. एक और जैसा मैंने बताया आपको प्रैक्टिस, ऐसे ही एक वर्ड है एडवाइस. ए डी वी आई एस ई. एडवाइस माने सुझाव देना. आई एडवाइज यू मतलब मैंने सुझाव दिया. स्पेलिंग क्या है? ए डी वी आई एस ई. और सुझाव का अर्थ क्या होगा? नाउन क्या है? सुझाव. आपका सुझाव बड़ा अच्छा है. हिंदी में क्या हुआ संज्ञा? आपका सुझाव बड़ा अच्छा है. तो इसमें सुझाव क्या है? संज्ञा है. अब इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? योर एडवाइस इज वेरी गुड. जब यहाँ पर एडवाइस को संज्ञा के रूप में बोलना है तो फिर वही एस ई की जगह सी ई हो जाएगा. क्या हो जाएगा? एस ई की जगह सी ई हो जाएगा. यानी ए डी वी आई सी ई एडवाइस यानी सुझाव. और ए डी वी आई एस ई टू एडवाइस यानी सुझाव देना. एम आई क्लियर? अनदर वर्ड टू नो. नो से क्या बना? नो यानी जानना. जानने से संज्ञा क्या बनती है? ज्ञाता या ज्ञान. तो ज्ञाता तो विशेषण हुआ, पर संज्ञा नाउन से संज्ञा बनेगा नॉलेज. नाउन से संज्ञा क्या बना? नॉलेज. और नॉलेज की स्पेलिंग देखिए, दूर दूर तक उसका मूल शब्द से ताल्लुकात नहीं है. के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी नॉलेज. सो दिस इज अनदर वर्ड मेड आउट ऑफ वर्ब. द नेक्स्ट वर्ड दैट वी टेक अप इज ऑक्यूपाई. टू ओ डबल सी यू पी आई. टू ऑक्यूपाई मतलब ग्रहण करना. I have occupied the chair of the chairman. I have occupied this room. अब मैंने ये रूम को ग्रहण कर लिया है, ले लिया है. This room is occupied by Mr. XYZ. So, occupy करना मतलब ग्रहण करना, लेना. अब उससे noun क्या बनेगा? व्यवसाय. ऑक्यूपेशन क्या बना उससे नाउन? ऑक्यूपेशन. उसका ऑक्यूपेशन क्या है? क्या करता है? तो व्यवसाय काम. ऑक्यूपेशन ओ डबल सी यू पी ए टी आई ओ एन ऑक्यूपेशन. राइट. नेक्स्ट वर्ड इफ वी टेक अनदर वर्ड इज पनिश. पी यू एन आई एस एच. आपको क्लास में कई बार टीचरों ने क्या किया है? पनिश किया है. और फला फला टीचर मिस्टर एक्स वाई जेड लोगों को डैश करने के लिए बड़े जाने जाते हैं. क्या करने के लिए? पनिश से पनिशमेंट. तो पनिश से संज्ञा क्या बनी? पनिशमेंट. पनिश यानी सजा देना और पनिशमेंट यानी सजा. सजा संज्ञा, सजा नाउन. और कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. राइट. नेक्स्ट इज
सक्सीड, टू सक्सीड यानी सफल होना, टू सक्सीड यानी सफल होना, ये एक क्रिया है, सफल होना। और स्पेलिंग देख लीजिए, एस यू डबल सी डबल ई डी, और उससे क्या बना, संज्ञा, संज्ञा बना सक्सेस। क्या है सक्सेस, बिल्कुल अलग शब्द। ऐसे डाई से, टू डाई माने मरना, और उससे क्या बना डेथ, मृत्यु। डाई से बना मृत्यु, सक्सीड से बना सक्सेस, पनिश से बना पनिशमेंट, ऑक्यूपाई से बना ऑक्यूपेशन, नो से नॉलेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको और क्लियर होते जाएगा कि कौन सा शब्द नाउन है, कौन सा, किस शब्द से बना है, मूल शब्द क्या है। थर्ड कैटेगरी दैट वी वर डूइंग वाज अबाउट इट इज वाज एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए हमने जातिवाचक, कॉमन नाउन से कैसे बनाते हैं। जातिवाचक संज्ञाओं से, कॉमन नाउन से हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। किंग एक जाति है, किस जाति का मतलब मैंने आपको बार बार कहा है, जाति का अर्थ वर्ग, श्रेणी, कैटेगरी, ग्रुप, ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रुप, राजाओं का, राजा जैसे लोग हैं। तो किंग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा, राजत्व, हिंदी में क्या होगा राजत्व, राजत्व का अंग्रेजी में क्या है किंगशिप, किंगशिप। हार्ड का क्या होगा, खैर हार्ड तो यहां जातिवाचक नहीं आता, लेकिन वैसे मैं बता दूं हार्ड मतलब कठिन है ना, तो जात हार्ड से बनता हार्डनेस। तो जातिवाचक में हम वापस आते हैं, मदर यानी माँ सब जानते हैं, और माँ से संज्ञा बनाइए। आपको हिंदी में कम से कम संज्ञा बनाना आना चाहिए, तब जाके आप अंग्रेजी में सीखेंगे। तो माँ का क्या होता है संज्ञा, मातृत्व। माँ का संज्ञा क्या होता है मातृत्व, और उससे बना मदरहुड। मदरहुड इज ए ब्लिस, ब्लिस माने बहुत खुशी, चरम चरम आनंद। मदरहुड इज ए ब्लिस, माँ बनना, मातृत्व जो है एक चरम आनंद, चरम सुख का वो होता है, चरम सुख की बात होती है। मदरहुड इज ब्लिस, मदरहुड इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड, मातृत्व को बनाए रखना एक कठिन काम। वो माताएं ही समझती हैं कि वो कैसे मदरहुड संभालती हैं। तो मदरहुड यानी मातृत्व। एजेंट, एजेंट मतलब क्या होता है हिंदी में, वो उसका एजेंट है, LIC का एजेंट, किसी दवाई का एजेंट, दुकान का एजेंट, किसी व्यक्ति का एजेंट। एजेंट से बनता है एजेंसी, आपने पढ़ा है ना, बहुत सी दुकानों के नाम लिखे हैं एजेंसी। एजेंसी मतलब क्या हुआ, किसी चीज की सप्लाई की दुकान, एजेंसी। मेरे पास हीरो होंडा की एजेंसी है, मेरे पास मिर्च मसालों की एजेंसी है, मतलब मैं एजेंट से का काम करता हूँ, उससे एजेंसी बना। बॉय से क्या हुआ, बॉय जातिवाचक है, बॉय मतलब एक खास श्रेणी के लोग जिनको हम बॉय बोलते हैं, उससे क्या बनता, लड़का से लड़कपन, और लड़कपन से बना बॉयहुड। हीरो से क्या बना, हीरो, हीरो से हीरोइज्म, हीरो से हीरोइज्म। वुमन से WOMAN, वुमन माने महिला, एक वर्ग है,
उससे बनता है वुमन हुड. क्या बनता है? वुमन हुड. मैन से ऐसे ही मैन हुड, वुमन से वुमन हुड, मैन से मैन हुड. अब पैट्रियट, पैट्रियट मतलब PATRIOT, पैट्रियट मतलब देशभक्त. देशभक्त शब्द जो है वो जातिवाचक में आता है. अब एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, देशभक्त से बनता है देशभक्ति. देशभक्ति को अंग्रेजी में हर साल हम लोग बहुत बार बोलते हैं, कम से कम 15 अगस्त और 26 जनवरी को. तो देशभक्ति बना है पैट्रियट से पैट्रियाटिज़म. क्या है? पैट्रियट से पैट्रियाटिज़म, राइट. सो विद दिस वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज नाउन. वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ नाउन, द कैटेगरीज ऑफ नाउन. एंड देन फ्रॉम द कैटेगरी वी हैव अंडरस्टूड द फर्दर कैटेगराइजेशन into two, collective and abstract. Similarly, we have also understood कि proper noun के कुछ characteristics होते हैं, कुछ विशेषताएँ हैं proper noun की. वो दो विशेषताओं को हमने जाना. And then we have done quite a lot of exercises. And I have also given you few exercises, assuming that you will be honest enough to do it yourself at home. Right?